शुगेस मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। निमृत के पिताजी ने खेल दी है प्रियंका चहार चौधरी के साथ बड़ी माइंड गेम। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या है चर्चा, क्या चीज अभी चाहने वालों ने निकाल के सामने रख दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज एमसी स्टैन की मम्मी, अर्चना के भाई और निमृत के पिताजी जो है कल एंट्री ले चुके हैं, जिसके बारे में एपिसोड से पहले ही हमने आप तक जानकारी पहुंचा दी थी। हालांकि वहां पर आने के बाद जो है प्रियंका के साथ बात करते हुए नजर आए निमृत के पिता और उन्होंने ये बात बोली कि एज अ कंटेस्टेंट तुम्हें जो निमृत है वो कैसी लगती है। जहां पर दूसरी इक्वेशंस के बारे में बात की पर फिर उसके बाद वो बोला कि हाँ स्ट्रांग है, तगड़ी है। तो जहां पर निमृत के पापा ने बोला कि हाँ तुम्हें लगती है ना कि वो तगड़ी है, तो जहां पर प्रियंका बोलती कि हाँ मुझे तो वो तगड़ी ही लगती है। ये चीजें जो माइंड गेम जो निमृत के पिताजी ने खेली है इसके बारे में चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। लोगों का कहना ये है कि निमृत के पिताजी ने प्रियंका को और प्रियंका के फैंस को नीचा दिखाने के लिए ये सब चीजें की है। जहां पर सोशल मीडिया पर लोग यही बात बोलते रहते हैं कि निमृत के जो वोट्स आते हैं, निमृत जो कलर्स टीवी की फेवरेट है उसको फेवर किया जाता है, वो ऐसी है, उसकी खुद की कोई गेम नहीं है और वो सिर्फ मंडली में खेल रही है, उसका खुद का स्ट्रांग कोई पॉइंट नहीं है, स्टैंड नहीं है। तो इन सब चीजों को नीचा दिखाने के लिए निमृत के पिताजी ने प्रियंका के मुंह से ही कहलवा दिया कि जो ये सब चीजें बोलते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, जिसके लिए आप सपोर्ट लेते हो वो खुद ही इसको तगड़ी मान रही है, यानी कि स्ट्रांग प्लेयर मान रही है। भाई इस चीज से क्या होता है, अगर प्रियंका ने ये बात बोल दिया एज अ, वैसे तो तगड़ी लगती है, पंजाबन है, सिखनी है, तगड़ी ही होगी, पर फिर भी देखा जाए गेम वाइज में ना तो वो तगड़ी है, वो सिर्फ एक ग्रुप में रह के खेल रही है, उनकी खुद की गेम नहीं है। आपके क्या विचार है, आप क्या करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर गॉसिप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।